हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गोपा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आ रहा है विंटर, हम लोग का जो है फ्लावरिंग का टाइम। और विंटर में जो बेस्ट फ्लावर होते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं और फ्लावर के वैरायटी भी बहुत होते हैं। तो विंटर का फ्लावर लगाने के लिए हम लोग को मिट्टी कैसा होना चाहिए, इसी टॉपिक पर आज बात है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मेरे चैनल पे जो नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिट्टी अगर सही ढंग से तैयार हो जाए तो प्लांट भी बहुत अच्छे बनते हैं और उस पर जो कलियाँ और फ्लावर भी बहुत अच्छे से होते हैं। तो आइए, मिट्टी हम कैसे बनाते हैं। तो मिट्टी जैसे हम बना रहे हैं, इसमें हम लिए हैं नॉर्मल मिट्टी है और गोबर का खाद है, सैंड है, जिसमें नॉर्मल मिट्टी हम लिए हैं 50%। और इसमें जो है आधी चम्मच से भी कम जो है फंगीसाइड हम ले रहे हैं इस मिट्टी के लिए, कोई भी कीड़े मकोड़े के मिट्टी में अटैक ना हो इसीलिए। और क्योंकि विंटर के फ्लावर में मिट्टी में जो है खाद जो है सरसों का जो लिक्विड खाद पड़ती है उसी लिए फंगीसाइड की ज़रूरत है। और हम ले रहे हैं सैंड, 20% सैंड ले रहे हैं। और ये जो है रिवर वाला सैंड होते तो अच्छा होते, मोटे वाले भी सैंड होंगे तो कोई बात नहीं है, आपके पास जो भी सैंड अवेलेबल हो वही ले लें। और ले रहे हैं 30% जो है काउडंग कंपोस्ट। तो और आपके पास अगर पत्ते वाले खाद हो वो भी ले सकते हैं, अगर वर्मी कंपोस्ट हो वो भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम जो है तीनों को मिला के हम जो है पॉटिंग सॉइल मिक्स बना लेंगे। और सॉइल जितने अच्छे बनेंगे प्लांट भी उतने अच्छे से हेल्दी होंगे और फ्लावर भी उतने अच्छे आएंगे। और ख़ास करके पिटूनिया में तो ज़्यादा जो है बाद में जो है लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, लेकिन और एक्स्ट्रा जो है गोबर का खाद हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमको एक ही साथ जो है मिट्टी अच्छे से बना लेना है। तो सभी को हम बहुत अच्छे से तरह से मिला दिए हैं और थोड़ा सा फंगिसाइड का हम यूज़ किए हैं इसीलिए कि मिट्टी में जो है कोई प्रकार का कीड़े मकोड़े ना हो इसीलिए। और जो है इस तरह से मिट्टी को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, एक तो पॉट ले लेंगे, प्लास्टिक का हो चाहे मिट्टी का हो, इसमें हम ड्रेनेज सिस्टम को चेक कर लेंगे। और ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर में हम एक तो जो है मिट्टी का जो है टिकरी डाल देंगे। डाल देने के बाद हम जो है इस पर जो है मिट्टी भर के हम रख देंगे। अगर 5-6 रोज के बाद भी हम इस पर जो विंटर फ्लावर लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, फिर भी जो अच्छे बनेंगे। और मिट्टी भरने के बाद अगर इस मिट्टी को अगर 5-6 रोज तक अगर धूप लग जाए तो ये बहुत अच्छे जो होते हैं, इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आपको हमको प्लांट में देखने के लिए मिलेंगे, फ्लावर बहुत अच्छे से आएंगे। इस तरह से मिट्टी भर लेने के बाद जो है कोशिश करें कि 5-6 रोज तक इसी तरह जो है पॉट पर जो है धूप लगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।